अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, मैं हूं इमरान और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कलिए शरीफ दरगाह साबिरे पाक में किस तरीके का फ़िलहाल माहौल है और कितने ज़ायरीन जो है सलाम करने के लिए आ रहे हैं, और जो ये रमज़ान के बाद पहली जुमरात है नौचंदी जुमरात, इसका क्या मकसद है और ये किस तरीके से, जिसको मेन जुमरात भी कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हुजूर साबिरे पाक की बारगाह में ज़ियारत करने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं, और क्यों इसको ख़ास माना जाता है, ये सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो हम जो है मेन गेट से दरबार शरीफ के अंदर जाएंगे, वहां से मैं आपको पूरा नज़ारा, ख़ूबसूरत नज़ारा हुजूर साबिरे पाक की बारगाह का मैं दिखाऊंगा। अभी हम मेन गेट पर है, यहां पे जितने भी रास्ते हैं हर तरीके से जो है हुजूर साबिरे पाक के आशिक चारों ओर से जो है दरबार शरीफ में ज़ियारत और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जो है जितने भी लोग अंदर जाते हैं वो तबर्रुक प्रसाद न्याज जो है यहाँ से ख़रीदते हैं, ये मेन गेट की दुकान है। तो यहाँ मेन गेट से हम जाएंगे अंदर, और अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी किस तरीके से माहौल है और कितनी भीड़ है और कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो जैसा आप सामने वीडियो में देख रहे हैं कि लोग जो हुजूर साबिरे पाक के आशिक है, जो अपनी तमन्नाएँ, अपनी इल्तिजाए, अपनी अरदासें और अपनी मुरादें हुजूर साबिरे पाक की बारगाह में जो है लेकर जा रहे हैं, कोई फूल लेकर जा रहा है, कोई चादर लेकर जा रहा है, जिसका जैसा हिसाब है वो अपने उस हिसाब से हुजूर साबिरे पाक की बारगाह में उनके कदमों में, उनके चरणों में जो है नमन करने जा रहा है, जो है सलाम करने जा रहा है, कदम बोशी करने जा रहा है। तो देखिए, ये चारों तरफ से मैं आपको दरगाह के अंदर का दिखाऊँगा, अभी दरबार शरीफ में कितना माहौल कैसा हो रहा है ये भी आपको मैं सब दिखाऊँगा। तो माशाल्लाह जितने भी चारों तरफ से हुजूर साबिरे पाक के ग्राउंड हैं वो पूरी तरीके से हुजूर साबिरे पाक के आशिकों से जो है भरी पड़ी हुई है, और हुजूर साबिरे पाक के आशिक ये देखिए अपनी फूल चादर लेकर धूप में और गर्मी में और शिद्दत में जो है हुजूर साबिरे पाक के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। ये सभी लोग यहाँ से अंदर जाएंगे, अभी कुछ टाइम के लिए जो है दरबार मामूल है तो इस वजह से जो है अभी लाइन नहीं चल रही है। तो ये दूसरा ग्राउंड है जो गुलर का ग्राउंड माना जाता है, यहाँ पर जो है ज़ारीन लोग बैठते हैं, मैं आपको ऊपर से वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। ये तीसरा ग्राउंड है जहाँ पर लोग अर्जियाँ टांगते हैं, सामने आपको सफ़ेद कागज़ जो दिखाई दे रहा है पेड़ पर टंगा हुआ है, ये लोगों की एप्लीकेशंस है, ये लोगों की अर्जी है, लोगों ने अपनी जो है अपनी मुरादें, मन्नतें, जो भी उनकी तकलीफ़ है वो हुजूर साबिरे पाक की बारगाह में लिख कर टांगते हैं। उसके बाद हुजूर साबिरे पाक के वकील के ज़रिए जो है उनकी उस एप्लीकेशन को, उसकी अरदास को पढ़ा जाता है और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। ये यहाँ पर दूसरा ग्राउंड जो जहाँ पर कुल शरीफ होता है और जन्नती दरवाज़ा सामने आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ये सामने जन्नती दरवाज़ा है, यहाँ पर लोग हाज़िरी ले रहे हैं और जो जिसके ऊपर जो चीज़ असरात जिन्नात भूत प्रेत होता है वो आज के दिन ख़ास स्पेशल इस जुमरात के दिन, नौचंदी जुमरात के दिन उनका इलाज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।